आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि विभिन्न नाभिकों के द्रव्यमान संख्या के प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खींचिए। उस क्षेत्र को अंकित कीजिए जहां पर नाभिक के संलयन होता है। तो देखिए, आपका जो ग्राफ है किस किस के बीच में बनाना है, एक तो नाभिक के ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन यानी सॉरी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और इधर आपके पास एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, यानी कि द्रव्यमान संख्या। तो ये जेड हो गया और ये हो गया बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन। तो आपका जो ग्राफ होता है किस प्रकार से होता है, वो इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, उस तरह से यहाँ पर यूरेनियम इस तरीके से मिलते हैं। तो ये जो रीजन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये सबसे स्थाई होता है आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये होता है 26 Fe 57। तो सबसे स्थाई न्यूक्लियस आपका इसका होता है। अब आपसे पूछा उस क्षेत्र को अंकित कीजिए जहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है। तो नाभिकीय संलयन का मतलब दो न्यूक्लियस आपस में मिलकर नया न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ऐसा कब होगा आपके पास, ये जो आपके पास स्थाई क्षेत्र है, तो यहाँ पर हर कोई जो आपका न्यूक्लियस है वो इस स्थाई क्षेत्र की ओर जाना चाहता है। यानी कि यहाँ के जो भी होंगे आपके पास न्यूक्लियस इधर आने की कोशिश करेंगे और यहाँ के इधर आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका एटॉमिक नंबर है ना, वो क्या हो रहा है आपके पास कम है, तो इसको एटॉमिक नंबर बढ़ाना है। इसका मतलब क्या होगा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलेंगे आपस में, और जब मिलते हैं तो उसी रीजन को अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं, ठीक है ना, नाभिकीय संलयन। इसका मतलब इस रीजन में आपके पास जो भी होंगे वो क्या प्रदर्शित करेंगे, नाभिकीय संलयन को। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।